देवास लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर कलेक्टर ऋषभ गुप्ता के निर्देशानुसार एवं जिला आबकारी आयुक्त मंदाकिनी दीक्षित के मार्गदर्शन में जिले में आबकारी विभाग द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। जिला आबकारी आयुक्त मंदाकिनी दीक्षित ने बताया कि देवास में प्रताप नगर एवं अम्बेडकर नगर में आबकारी पुलिस एवं नगर निगम के संयुक्त दल ने कार्यवाही की है, जिसमें किलोस्कर कंपनी की बाउंड्री के आसपास बड़ी मात्रा में महुआ लाहन के ड्रम जमीन के अंदर गड़े मिले, जिन्हें जेसीबी मशीन से उखाड़ कर नष्ट किया गया। कार्यवाही में 50 लीटर हाथ भट्टी एवं 6000 किलो महुआ लाहन बरामद किया गया। महुआ लाहन को मौके पर विधिवत नष्ट किया गया। कार्यवाही में पुलिस एवं आबकारी द्वारा संयुक्त रूप से 6 प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज किए गए, जिसमें 2 प्रकरण धारा 34(2) एवं 4 प्रकरण धारा 34(1) के तहत पंजीबृत कर विवेचना में लिया गया। जब्त सामग्री का बाजार मूल्य 6,30,000 रुपए है। मामले में CSP विशेष अग्रवाल ने बताया कि थाना सिविल लाइन व कोतवाली थाना क्षेत्र में कच्ची शराब बनाए जाने की सूचना मिली थी, जिसके लिए संयुक्त टीम बनाई गई और आबकारी व पुलिस टीम सहित 60 पुलिस अधिकारी कर्मचारी के बल ने अवैध कच्ची शराब की भट्टियों पर कार्यवाही की है। कार्यवाही में थाना प्रभारी सिविल लाइन OP थाना प्रभारी औद्योगिक शशिकांत चौरसिया, आबकारी उपनिरीक्षक राजकुमारी मंडलोई, प्रेम यादव, निधि शर्मा सहित तमाम स्टाफ शामिल रहा। सर, आपका ये पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की गई, आपके लिए क्या कुछ पूरा था और कहां से कितने कटे? ये थाना सिविल लाइन क्षेत्र और कोतवाली क्षेत्र में कच्ची शराब बनाए जाने की जो है वो जिन लोगों की शोरत है उनकी सूचना लगातार मिल रही थी। इस पर से ज्वाइंट टीम बनाई गई और लगभग आबकारी और पुलिस का जो अधिकारी और कर्मचारी लगभग 60 लोगों का के बल के साथ दोनों जगह दबिश दी गई, जिसमें लगभग 6000 किलो महुआ लान और करीब 150 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई है और इसमें प्रकरण बनाया जाकर कार्रवाई की जाए। ये जो लहान है उसके नष्टीकरण की कार्रवाई JCB से की गई है। कोई व्यक्ति पकड़ा नहीं, आरोपी अभी फरार है और इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है।